कॉलेज में स्कूल में सीख लिया था सिगरेट पीना फिर फिल्म इंडस्ट्री में तो पैकेट भी रखने लग गया था तो जब से आप लोगों के साथ हुआ और सुन रहा हूं आपकी बातें मेडिटेशन के साथ कब छूटी कैसे छोटी वो मुझे मालूम नहीं है right. उसमें मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि मुझे तड़पना पड़ा उसके बदले में गम खाना पड़ा हाँ उसके बदले में दूसरी आदत आ गई थी पान के अंदर तंबाकू यस हाँ। क्योंकि टोबैको की हैबिट थी फिर वो भी छूट गई लेकिन पहले पहले क्या होता था कोई जब जिस जगह पे जाता था ना मैं जो दोस्त लोग जहाँ सिगरेट पी रहे हैं एक कॉर्नर है जहाँ कॉर्नर, तो मेरा भी मन करता था मैं भी पी लेता था फिर जैसे जैसे मेडिटेशन किया और दूसरी चीजें दी उसको ज्ञान दिया तो अब ये हालत है कि कोई सिगरेट दूर से भी पिए ना तो नाक जलती है मतलब अब वो उसकी प्रेजेंस भी सूझ नहीं कर रही ऑपोजिट हो गया अब ऑपोजिट हो गया ये स्टेज कब आई अगेन वी शुड सी वो जो लास्ट टाइम आपने आर्टिकल पढ़ा जी कि पहले हम कर रहे थे उसको तो हमारी कर्म इंद्रियों को भी ऑटोमेटिक मोड में चली गई थी कि वो लिया पिया लिया पिया सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्डिंग थी जब डिसीजन भी लिया छोड़ने का मेडिटेशन करना भी शुरू किया नहीं ले रहे थे लेकिन जब ऐसी वातावरण में जा रहे थे जहां और कोई ले रहा है या जहां पहले ली थी hmm. या जब कोई प्रॉब्लम आ गई माइंड टेंशन में है मतलब जब भी कोई वैसा हुआ जो पहले का रिकॉर्डिंग है तो वो ही इंफॉर्मेशन कर्म इंद्रियों के द्वारा जाएगी और वो सबकॉन्शियस में रिकॉर्डिंग तो है ही hmm. तो वो सबकॉन्शियस से वो मैसेज क्रिएट होगा वो वायरिंग हो जाएगी और वो कर्म में आ जाएगा इसीलिए जब कोई ऐसी आदत छोड़नी होती है स्थूल आदतें मतलब क्या हम खा रहे हैं पी रहे हैं ले रहे हैं तो क्या हमें राय दी जाती है कुछ दिनों के लिए जीवन भर नहीं कुछ दिनों के लिए उस जगह से जहां आप वो करते थे वो लेते थे या उन लोगों से जो वो कर रहे हैं ले रहे हैं डोंट बी देर नियर देम फॉर अ फ्यू डेज वाई फॉर अ फ्यू डेज क्योंकि वो वायरिंग चेंज होने में फ्यू डेज लगेंगे अगर वो वायरिंग चेंज करने से पहले हम उस जगह पर फिर चले गए या वो जैसे आपने कहा वो खुश मांग लेता थे? था उनसे, मांग लेते थे क्योंकि वो उनके साथ हूँ हाँ? वो पी रहा है हाँ? तो मेरा भी मन कर जाता था मतलब मुझे भी दे, दे यार। मन कर जाता था मतलब क्या होता था सबकॉन्शियस माइंड से मतलब वो संस्कार से वो वाइब्रेशन क्रिएट हुई वो केमिकल रिलीज हुआ ब्रेन के सेल को वो मैसेज मिला वो वायरिंग फायर हो गई हाथ उस तरफ गया मांगा और ले लिया अगर बार-बार उन लोगों के पास जाते रहेंगे तो वही वाली फिर वायरिंग बार-बार फायर होती रहेगी हम कहेंगे आदत नहीं छूटती इसीलिए लोग कहते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं और किताबें भी कहती हैं कि यू आर जस्ट वन सिगरेट अवे एक हमारे यहां बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी का रेडियो का मतलब मैं उसको मानता था yes. उसका फैन था एंड आई स्मोकिंग तो सर आप इतनी अच्छी आवाज है और रेडियो पे तो आप कमाल करते आप सिगरेट पीते हो आपकी आवाज खराब हो जाएगी hmm. तो बोलता सुरेश मैंने पंद्रह साल सिगरेट नहीं पिया yeah. छोड़ के पंद्रह साल छोड़ने के बाद किसी दोस्त से मैंने एक मांगी hmm. और उसके बाद अब नहीं छोड़ती hmm. मतलब वो वायरिंग क्या हो गई फिर से मतलब इतना इजीली नहीं है जो आपने कहा जस्ट जस्ट स्टॉप स्मोकिंग और यू वन सिगरेट जैसे अल्कोहल के लिए भी भीट अवेटर्नलेशन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की है डिफरेंस साइकिल क्या था पंद्रह तो साल छूट जाती है आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आज से नहीं लेनी है hmm. आपने नहीं ली हेल्थ रीज़न हो सकता है कोई अपने आप को रियलाइजेशन आ गई है जैसे आपने कहा आवाज़ बहुत अच्छी है प्रोफेशन आवाज़ का है कांट अफोर्ड टू टेक रिस्क विद दैट रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग तो हमने कहा आज से मैंने ये नहीं लेना हम कर सकते हैं हम जीवन भर भी हाथने लगाएंगे उसको फिर से लेकिन कॉन्शियसनेस में सोल कॉन्शियस नहीं हुए अटैचमेंट उस चीज़ से नहीं हटी है वो अनुभव अभी भी अच्छा लगता है क्योंकि अपने आपको कोई और अनुभव दिया नहीं है तो मुझे क्यों अभी, आपने क्या, है? अभी आपने क्या कहा अभी आपने क्या कहा मेडिटेशन डेली करने से जो सुख जो वो रिलैक्सेशन जो फीलिंग अच्छा उसको एक बेटर चॉइस दी है उसको एक सब्सटीट्यूट दे दिया, है। दिया है। जैसे कोई कहता था पहले कि नॉनवेज खाओ उसमें प्रोटीन्स है पर किसी ने आकर कहा वो ही प्रोटीन्स इस चीज़ में भी है तो नॉनवेज क्यों खाना आपको आप प्रोटीन्स के लिए खा रहे हो ना टेस्ट के लिए नहीं खा रहे ना एडिक्शन के लिए नहीं खा रहे ना आप प्रोटीन के लिए खा रहे हो तो आप पनीर खाओ आप सोया खाओ नॉलेज देंगे अब हमने क्या किया जो हमें चाहिए था जब हमें दूसरी जगह से मिल गया तो हम जीवन भर उस तरफ नहीं जाएंगे हाँ हो गया सिगरेट क्यों पी रहे हैं अल्कोहल क्यों ले रहे हैं कोई भी ऐसी चीज़ क्यों कर रहे हैं माइंड को वो अनुभव चाहिए वो ब्लिस चाहिए एक्चुअली तो वो स्टिम्यूलेंट हमें वो दे रहा था वो रिलैक्सेशन हमें अपनी टेंशन भूल जाती थी जो चिंता मन पे चल रही है वो भूल जाती थी चाहे थोड़े घंटे के लिए चाहे वो थोड़ी देर के लिए लेकिन हम क्या करना चाहते थे, थे थोड़ी देर के लिए उन थॉट्स से हटकर कर रिलैक्सड होना चाहते थे अगर हमने इसको सिर्फ बाह्य लेवल पे किया कि मैं आज से नहीं लूंगा विल पावर है स्ट्रॉन्ग हमने नहीं ली कई साल नहीं ली लेकिन हमने अपने आप को वो अनुभव कहीं और से नहीं जैसे दिया कई लोग व्रत रखते हैं yeah. और जो वो खाते देख के तड़पते हैं ये बाहर अंदर से कितनी ये बाहर से ट्रांसफॉर्मेशन है ना ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन कौन से लेवल पर लाया एक्शन के लेवल पर कॉन्शियसनेस थॉट्स फीलिंग्स एटीट्यूड में चेंज नहीं लाया एक्शन पर चेंज लाया है एक्शन पर चेंज लाके भी कुछ आत्माएं जीवन भर उस ट्रांसफॉर्मेशन को ला सकती हैं इम्प्लीमेंट कर सकती हैं लेकिन कितना सप्रेशन है डिफिकल्ट है लेकिन अब जब मेडिटेशन भी करना शुरू किया ज्ञान भी मिला आत्मा को जो सुख चाहिए था वो अनुभव हुआ एंड असली सुख अनुभव हुआ परमानेंट हुआ ये नहीं कि कुछ घंटे हुआ कुछ घंटे के बाद वो सुख खत्म हो गया एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आत्मा की किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं थी तो आत्मा की विल पावर बढ़ी अगर ये कुछ दिन कुछ महीने ये चला तो वायरिंग चेंज हो जाएगी सपोजिंग मैं स्ट्रेस में सिगरेट पीता हूँ या कोई टेंशन में सिगरेट पीता हूँ कोई प्रॉब्लम आए तो पीता हूँ तो उस इफेक्ट को ठीक करने के लिए पीता हूँ हाँ. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो मेडिटेशन है उससे वो सिचुएशन ही नहीं आ रही है जिससे वो ब्यूटिफुल आ रहा है beautiful. तो उसका कारण ही नहीं आ रहा है ना? क्योंकि अब क्या हो रहा है परिस्थिति को हम फेस ही अलग तरह से कर रहे हैं पहले स्ट्रेस यहाँ क्रिएट हो रहा था ना तो मैग्निफाइड आता था मैग्निफाइड आता था अच्छा अभी भी अगर वही परिस्थिति वही स्ट्रेस छोटा लगता चोटा है छोटा लगता है अच्छा अब अगर बात आती भी है कुछ थॉट्स चलते भी हैं ऐसा नहीं है कि कभी भी हमारी कोई नेगेटिव या वेस्ट थॉट नहीं चली चलती भी है लेकिन अब हम उसको सल्यूशन कैसे देते हैं क्योंकि अब हमें ज्ञान से सल्यूशन देते हैं ना स्ट्रेस क्रिएट हो भी सकता है कोई बड़ी बात आ जाए छोटी बातों का अब नहीं क्रिएट होता कोई बड़ी बात आ जाए स्ट्रेस क्रिएट हुआ स्ट्रेस क्रिएट हुआ मीन्स अनकम्फर्टेबल थाट्स क्रिएट हुई अब हम उस अनकम्फर्टेबल थाट्स को साइलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम ज्ञान को यूज़ करते हैं मेडिटेशन की पावर को यूज करते हैं वो रिजॉल्व हो जाता है जब हम सिगरेट को यूज करते थे अल्कोहल को यूज करते थे टेलीविजन को यूज करते थे शॉपिंग को यूज करते थे फोन पे लोगों से बात करने को यूज करते थे कि मुझे अपने माइंड को शांत करना है थोड़ी देर के लिए होता था कोई कहेगा कॉफी पी लो कुछ भी कोई एक्सटर्नल चीज चाहते थे कोई भी एक्सटर्नल गोली खा लो गोली खा लो से लो को हाई करने के लिए भी गोलियां यूजिंग एक्सटर्नल सब्सटेंसेस टू क्रिएट दैट फीलिंग नाउ वी आर यूजिंग इनर मेथड टू क्रिएट दैट सेम फीलिंग इन फैक्ट मोर एलिवेटेड हायर प्योर फीलिंग और ये फीलिंग हम इटर्नल पकड़ सकते हैं और ये फीलिंग किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है तो ये एक वायरिंग नहीं क्रिएट हो जाएगी अंदर अब ये वायरिंग इतनी स्ट्रांग हो गई आपकी कि अब अगर कोई और ले रहा है तो वो स्मेल अच्छी नहीं लग रही क्योंकि अब हमारा सिस्टम हमारे संस्कारों से वो चीज बिल्कुल निकल चुके है लेकिन ध्यान बचपन में भी नहीं लगती थी ओरिजिनल yeah. संस्कार. गया, गया, गया। संस्कार अब हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हमने जो ज्ञान और मेडिटेशन का मेथड यूज किया है ये हमेशा चलना चाहिए रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होती दूसरी चीज रिकॉर्ड हो जाती है दूसरी चीज रिकॉर्ड होती है अगर आपने छह महीने मेडिटेशन की आपको वो पावर मिली वो चीज़ छूट चुकी है छह महीने से नहीं ली दो साल बीत गए नहीं ली अब धीरे धीरे चलते चलते कहीं आपने मेडिटेशन करना छोड़ दिया ज्ञान रोज स्टडी करना छोड़ दिया मतलब वो अनुभव क्रिएट करना छोड़ दिया वो नॉलेज जो इंटेलेक्ट को मिली थी वो छोड़ दी छः महीना आठ महीना बीते हम वापस वो ऑर्डिनरी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने में चले गए आज कोई बात आई कोई क्राइसिस आया कोई सिचुएशन आई जहां हमने स्ट्रेस क्रिएट कर लिया hmm. हाथ जायने का चांसेस उस चीज पर काफी हाई हो जाता है मेरे साथ हुआ था जब मैं बीमार हुआ तो आर्टिफिशियली छोटा था डॉक्टर ने बोला था तो एक महीना दो महीना करते करते उस, उसने बोला पाँच छः महीने तक तो नहीं तो छठवें महीने में कुछ स्ट्रेस आया सिचुएशन आई एंड मैंने बोतल खोली स्मेल किया इतनी गंदी लगी अच्छा लगने के बावजूद भी क्योंकि वो बाहर से ही हुआ था उसके बाद भी पंद्रह मिनट सोचा आधा घंटा सोचा तो एक घंटे तक लड़ता रहा अपने आप से कि लेकिन आई वेंट बैक अगेन। व्हाई डिड वी गो बैक अगेन दैट टाइम अगर वो सिचुएशन ना आती तो शायद हम उस पर वापस ना जाते लेकिन जीवन में सिचुएशंस तो आनी ही है hmm. उस दिन ना आती अगले दिन आ जाती फिर कोई और आ जाती अब आपने कहा मैंने एक घंटा लगाया ये एक घंटा किस में बीता माइंड ने थॉट्स क्रिएट की hmm. लो नई दो नहीं लो लो माइंड ने कहा छः महीना नहीं लिया छूट चुकी है डॉक्टर ने भी बोला है नहीं लेना फिर इधर से माइंड ने लिया ये इतनी जो टेंशन है ये मन शांत कैसे होगा फिर माइंड ने कहा सो जाओ ठीक हो जाएगा फिर माइंड ने कहा नींद कैसे आएगी क्योंकि पुराना अनुभव क्या है नींद कैसे आती है जब माइंड स्ट्रेस्ड है कोई सब्सटेंस लेना है उसको साइलेंस करने के लिए ये जब माइंड ये सारी थॉट्स क्रिएट कर रहा था उस दिन इंटेलेक्ट ने क्या डिसीजन ले लिया चलो भी ले लो एक दिन लेने से कुछ नहीं होगा एक दिन लिया वायरिंग शुरू हो गई और वो थी बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत सालों की ऑटोमैटिक तो मोड पे आ गया हाँ। फिर डे ही मोड पे आ जाएंगे आ गया था नहीं ऑटोमेटिक मोड पे आ गए वो कैसे पता चलेगा कि सेकेंड डे एक घंटा नहीं लगेगा डिसीजन लेने में ना में सेकेंड तो टाइम हो शाम टाइम अपने क्लास में फर्स्ट डे एक घंटा लगा सेकंड डे कोई टाइम नहीं लगा मतलब क्योंकि वायरिंग पुरानी थी सेकेंड डे पर माइंड और इंटेलेक्ट का रोल बंद हो गया वो फायरिंग हो चुकी है वी वेंट बैक टू इट कितना इम्पोर्टेंट है सस्टेन करना फिर मैं ऐसे डॉक्टर ढूंढता था जो कि बोले कुछ नहीं होता ले लो yeah. See? ये हाल था कि ऐसे ऐसे डॉक्टर्स के पास गया सब बोले नहीं 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 ये बीमारी के बाद तो लेना चाहिए कोई कुछ बोले, कोई, कोई। happy, चलो, ले आँ। लो। आँ। अब ये जो नॉलेज मिली क्योंकि इंटेलेक्ट किस आधार पर डिसीजन लेता है इंटेलेक्ट में जो नॉलेज हम भरते हैं क्यों ज्ञान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ भाई बहने सेंटर पर आते हैं कहते हमें सिर्फ मेडिटेशन करनी है हमें नॉलेज नहीं चाहिए हमें सिर्फ साइलेंस में बिठाओ मेडिटेशन कराओ एक्सपीरियंस कराओ हमें ज्ञान नहीं चाहिए ज्ञान ज्ञान बुद्धि को शक्तिशाली बनाता है क्योंकि जो ज्ञान होगा ना अंदर उस आधार से डिसीशन लेंगे आपने जैसा ज्ञान ये ज्ञान तो नॉलेज आपने जैसे ही उस डॉक्टर से ये नॉलेज लेकर अंदर भरी कि कुछ नहीं होता गिल्ट क्रिएट करना ज्यादा नुकसानदारक है अल्कोहल उतना नहीं नुकसान करता ये भी एक नॉलेज थी ये नॉलेज से इंटेलेक्ट ने आगे के लिए क्या डिसीजन ले लिया इट्स ओके आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग दिस इज नॉट डैमेजिंग फॉर मी इतना लो और गिल्ट क्रिएट करो दैट इज डैमेजिंग नॉलेज राइट नॉलेज इज नीडेड फॉर द राइट डिसीशन फॉर द राइट संस्कार टू गेट क्रिएटेड फिर वो मेहनत करनी पड़ी इसलिए ज्ञान भी बहुत ध्यान से लेना चाहिए कि कौन सा ज्ञान हम ले रहे हैं जो मेरे लिए सही है अब ये तीन स्टेजेस जब हमने देखी मन बुद्धि संस्कार एक बार वो संस्कार बन गया तो वो ऑटोमेटिक मोड में चला गया मतलब थॉट इंटेलेक्ट संस्कार जैसा संस्कार वैसी थॉट इट्स आइकअ और जब संस्कार में चला गया फर्स्ट टू स्टेजेस आर लॉस्ट अब ये हमने स्थूल आदतों पे देखा कि सिगरेट अल्कोहल, कोई भी हैबिट सेम लॉ विल अप्लाई टू हमारी सूक्ष्म आदतें हमारे सोचने के तरीके हमारे पैटर्न्स, हमारे बोलने का तरीका हमारा व्यवहार करने का तरीका वो भी तो एक रिकॉर्डिंग ही बन रहा है लेकिन वो जो आपने लास्ट टाइम आर्टिकल पढ़ा वो हमें एक कन्विक्शन देती है कोई भी संस्कार एंड कोई भी मीन्स कोई भी संस्कार कितना भी पुराना हो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो कितना भी कड़क हो इट कैन बी चेंज हम कोई भी संस्कार के लिए ये नहीं कह सकते ये आदत तो मेरी छोड़ नहीं सकती चेंज नहीं होती इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ दोज फ्यू डेज और उसमें अगर अपने आपको राइट right नॉलेज और पावर दी मेडिटेशन से तो तो वो चेंज करना बिलीव you have to have full faith in that you have to want it आपको चाहिए वो परिवर्तन फिर उस परिवर्तन के लिए आप ज्ञान लेते हैं आप मेडिटेशन से आत्मा की ताकत बढ़ाते हैं फिर आप सारा दिन में अटेंशन रखते हैं फिर थोड़े दिन में वायरिंग चेंज हो जाएगी मैं क्या कहता था छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ है, है, है। से बोलता था वांट नहीं था लेकिन वांट वाली डिजायर ही नहीं थी कि छोड़ना है वांट करना है और और आता भी नहीं था कॉन्शियसनेस में नहीं पहली बात तो ये सब चीजें लाना ही नहीं चाहिए अपनी लाइफ में ये सब चीजें लानी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में हाउ कि कोई ऐसी आदतें तो लेवल से अगर शुरू से ही चले जाओ इस पे ये ज्ञान में आप जो बता रही हैं शुरू से बच्चों को या लेवल से ही सिखा दें यहाँ तो पूरा आगे जाके ना पहले इसको ऐसी आदतें पकड़ेंगे ना फिर छोड़ने में इतनी तकलीफ होती छोड़ेंगे तो हमारे आज के बच्चों को लेकिन ये सीखने की जरूरत है ना पीयर प्रेशर में आकर दोस्तों को देखकर वातावरण को देखकर कोई ऐसी बात शुरू न करें। आप बोल रहे हैं, आज के बच्चे हाँ। मैं बोल रहा हम 50, हम लोग हमारी ग्रुप में जब मैंने बोला मैं मैंने कुछ व्रत रखा हुआ है कि थोड़े दिन तक मैं खाली टोमेटो जूस पीऊंगा तो बैठ के जब जूस पीता था तो एक तो मेरे पीछे पड़ गया कब तक होगा यार हाँ। एक और कितने दिन तेरा mm. है है बाद में उन्होंने रूल पास कर दिया जो हमारे साथ शाम को ड्रिंक नहीं पिएगा हमारे साथ नहीं खेलेगा That's okay, yeah. आप बोल रहे स्कूल में पेयर mm. प्रेशर मेरी एज में पड़ा मुझे yes. उस टाइम बुद्धि सही निर्णय ले दिस इज द रोल ऑफ द इंटेलेक्ट

जो फिर संस्कार बदलने में इतनी उसको मेहनत करनी पड़े करियर में सिस्टर मैंने भी देखा है कई लोग बोलते हैं हमको उनके साथ ड्रिंक लेनी पड़ती है हमको एंटरटेन करना पड़ता है लेकिन जब आप उन्ही लोगों को बोलते हैं बिजनेस पीपल को कि आई एम वेजिटेरियन तब क्यों नहीं लेना पड़ता है yeah. थोड़ी रोकते हैं आपको राइट राइट इफ यू से वो तो बिजनेस से मतलब है उसको ये हमें मालूम है सब कुछ लेकिन माइंड थॉट्स अलग अलग क्रिएट करेगा ना आपका अच्छा प्रोडक्ट हो तो वो आपको ड्रिंक करते हुए नहीं करते देखेगा या वो अच्छे रेट पे आप दे रहे हो अच्छी right. चीज दे रहे हो वो देखेगा राइट right. तो ये माइंड को ये सारी थॉट्स क्रिएट करनी पड़ती हैं फिर इंटेलेक्ट को सही डिसीजन लेना पड़ता है फिर उसको कर्म में लाना है एक बार संस्कार बन गया फिर करियर में कोई भी बातें आए फ्रेंड्स कुछ भी कहें लोग आसपास कुछ भी कहें कोई ऐसी बात भी हो जहाँ सारी दुनिया एक तरफ हो हम अकेले हों ये तो सिगरेट अल्कोहल तो छोटी बातें हैं ना जीवन में कोई ऐसी बातें भी आ सकती हैं जहाँ ऐसा डिसीशन लेना पड़ेगा जहाँ हम अकेले खड़े होंगे लेकिन आत्मा में उतनी ताकत होगी कि वो कर सकती है क्योंकि वो इस छोटी 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 चीज़ों को क्रॉस करके विल पावर को क्या कर लिया बढ़ा लिया अब अगर हमारी कोई चीज़ संस्कार बन चुकी है बन चुकी है हमें ऑप्शन की स्टेज पर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा जैसे आपने कहा उस दिन ऑप्शन आए थॉट्स फिर से क्रिएट हुई इंटेलेक्ट को फिर से डिसीशन लेना पड़ा और फिर उस दिन हमने फिर वो कर लिया मतलब अब संस्कार को चेंज करने के लिए थॉट्स में ऑप्शंस फिर से क्रिएट करनी पड़ेंगे जब तक थॉट्स में फिर से ऑप्शन नहीं क्रिएट होंगे वो उसी तरह से चलता जाएगा जैसे सपोज आप रोज़ सुबह से, आप रोज सुबह उठने के बाद अगर चाय पीते हैं ये आप सपोज़ पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं ठीक है आप रोज़ सुबह चाय पीते हैं आज आपके घर एक नया स्टाफ मेम्बर आया आपने उसको बताया कि मुझे सात बजे चाय देनी है तो वो पहले दिन आपको पूछेगा साहब क्या लेकर आऊँ चाय कॉफी क्या लेकर आऊँ आपके लिए तो आप कहोगे चाय तो उस दिन वो स्टाफ ने आपको ऑप्शंस दी थी ऑप्शन दी थी कि चाय लाऊं कॉफी लाऊं नींबू पानी लाऊं कोकोनट वाटर लाऊं वो ऑप्शंस देगा उस दिन इंटेलेक्ट ने क्या डिसीजन लिया चाय मतलब आपने डिसीजन दिया चाय सेकेंड डे वो फिर पूछेगा सर क्या लेकर आऊं सेकेंड डे भी आपने कहा चाय कितने दिन पूछेगा उसको मालूम है फिर सब चाय पीते तो अपने आप ले आएगा। उसको मालूम है अब अगर वो तीसरे चौथे पांचवे दिन फिर पूछता रहे तो आप उसको क्या कहेंगे मैं कितने दिन बताओ आपको मालूम नहीं है टाइम पे हो गया अब इसके बाद क्या होगा वो रोज सात बजे चाय लेकर आएगा कितने दिन तक वो रोज सुबह सात बजे चाय लेकर आएगा जब तक आप मना नहीं करेंगे जीवन भर ला सकता है मतलब जब तक आप मना नहीं करेंगे विच मीन्स इस केस में जो आपका स्टाफ मेंबर है वो मन है जो आपको ऑप्शन देता है सर चाय लेंगे कॉफी लेंगे नींबू पानी लेंगे तीन चार दिन ऑप्शन देता है आप जो हैं वो बुद्धि है जो निर्णय देती है चाय सेकेंड डे फिर कहती है चाय थर्ड डे फिर कहती है चाय फिर आपने कहा वो पूछना बंद कर देता है तो आपका भी बोलना बंद हो जाएगा ना कि चाय hmm. चाय बोलना ही नहीं है अब क्या होने वाला है चाय का कप ऑटोमेटिकली सात बजे टेबल पर पहुंच जाएगा hmm. आत्मा का संस्कार बन गया ठीक बन गया ये अब जीवन भर चलेगा कि सात बजे चाय आ जाएगी टेबल पर अनलेस एक दिन आपको नई पीस ऑफ नॉलेज मिले न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ने कहा टी इज नॉट गुड फॉर यू यू स्टार्ट अनदर ऑप्शन अब आपके पास ऑप्शन है ग्रीन टी आपके पास ऑप्शन है हर्बल टी आपके पास ऑप्शन है नींबू पानी बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन इतने साल हम ऑप्शन को यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि वो हमारे संस्कार में बन गया था अब आज आप घर जाते हैं और अपने उस स्टाफ को कहते हैं कल सुबह सात बजे नींबू पानी तो ही लुक्स इट सर चाय पी नहीं पीनी वो ऐसे ही नहीं है कि वो इमिजिएटली मान जाता है नींबू पानी लाने के लिए लेकिन चाय पी नहीं पीनी रोज तो आप चाय पीते थे तो कहोगे नहीं कल से नींबू पानी अगले दिन मॉर्निंग में सेवन ओ क्लॉक ही विल डेफिनेटली आस्क यू वंस यू श्योर सर क्या लेना है चाय या नींबू पानी वो नहीं लाएगा नींबू पानी इस तरह से सीधा सही बात पूछेगा वो उस दिन बुद्धि को क्या रहना पड़ेगा नींबू पानी ठीक है एक दिन वो पूछेगा फिर दो दिन वो पूछेगा तीन दिन वो पूछेगा किसी दिन ये हो सकता है आपका थोड़ा सा सर दर्द होगा वो देखेगा सर चाय नहीं पीना इसलिए सर दर्द हो रहा है लाओ चाय बुद्धि को कहना होगा नहीं कितने दिन थोड़े दिन थोड़े दिन थोड़े दिन के बाद वो नींबू पानी आपके टेबल पर सात बजे एग्जैक्ट पहुंच जाएगा ना वो पूछेगा ना आपको डिसीशन लेना पड़ेगा अब नींबू पानी आपकी वायरिंग में आपके संस्कार में फिट हो गया जीवन भर नींबू पानी चलेगा कितने दिन लगने वाले हैं बट वी जाएगी वो तो बंद हो ही जाने वाला है लेकिन थोड़े दिन सर दर्द होगा मतलब कोई भी संस्कार हम चेंज करना चाहेंगे कुछ दिन मन पूछेगा गुस्से के बिना कैसे काम चलेगा वापस नहीं बोलेंगे तो हम कमज़ोर हैं क्या मतलब इसका मतलब वो आए वो बोल के चले गए हमने कुछ बोला ही नहीं ऊपर से ये मन वो स्टाफ मेंबर आके बोलेगा सर ऐसे कैसे चाय नहीं पीने वो सब बोलेगा बुद्धि को उस टाइम डिसीशन लेना है न्यू वे ऑफ लिविंग हैप्पियर एंड हेल्थियर वे ऑफ लिविंग नहीं करना नहीं उल्टा जवाब देना है ये थोड़े दिन चलेगा अब जब आप वापस जवाब नहीं देंगे थोड़े दिन अनकंफर्टेबल भी अंदर लगेगा मन कहेगा बोल देना चाहिए था थोड़ा तो बोल देना चाहिए था ऐसे कैसे वो इतना आकर बोल के चले गए ये स्टेज को हमने क्रॉस करना है। करके चले गए बेस्ती करके चले गए हाँ से ये मन सब बोलेगा अंदर मन भी बोलेगा लोग भी ताने मारेंगे तो ये सब स्टेज हमें क्रॉस करने हैं ये सब दिस दिस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स विड्रॉल सिम्टम कोई सिर्फ चाय कॉफी अल्कोहल के नहीं होते विड्रॉल सिम्टम हर संस्कार को चेंज करने के होते हैं बिकॉज़ वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग लेकिन वो 5 6 दिन 8 10 दिन आपको स्ट्रोंग होकर बुद्धि को वही निर्णय देना पड़ेगा नींबू पानी नींबू पानी नींबू हो गया उसके बाद वायरिंग चेंज अब आपके आसपास सब लोग चाय पिए कुछ भी हो आपका सर भी दर्द हो रहा हो नींबू पानी आपके जीवन का हिस्सा आपका संस्कार बन गया है सो वी ओनली हैव टू पॉज एंड पे लिटिल अटेंशन दो फ्यू डेज ऑफ संस्कार परिवर्तन उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में नई रिकॉर्डिंग हो गई उसी के थ्रू वर्क होगा वो थैंक यू सो मच सिस्टर नई रिकॉर्डिंग हम अगले एपिसोड में करेंगे थैंक थैंक यू यू सो मच। When वी गिव अप एन एडिक्शन द रिकॉर्डिंग ऑफ become a stimulus फॉर us, Sometimes the recording gets triggered and we may go back to the addiction. So, for some time, we need to keep away from the stimulus. Neurons that wire together fire together. The soul has a recording of the experience it had with that particular addiction. In the presence of the stimulus, the desire for the same experience might take the soul back to the addiction. So, we need to give the soul a blissful experience through meditation so that it does not seek that experience elsewhere. We use addictions only to experience happiness temporarily, to feel energized, to distract the mind away from stress, hurt, and negative emotions. When we use spiritual knowledge and meditation to heal our negative emotions, we will not need the addiction to feel better. Knowledge is information we take in. As will be the quality of information, so will be the quality of thoughts. Intellect will also take the decision based on the information it has, and the sanskar will get created. Spiritual knowledge enables the soul to create pure thoughts. And take the right decision to create elevated sanskars. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening at pmtv.in or call us on 099 99 559 660. 山地哟。